हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम रील्स पर अभी ये स्टेटस बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। गाइस, आप लोग भी कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करेंगे कि वीडियो भी यहाँ पर बहुत जल्दी वायरल हो सकती है। दोस्तों, आपको इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको अलर्ट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, आपको अलर्ट मोशन ऐप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके अलर्ट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। गाइस, आपको अलर्ट मोशन ऐप को ओपन करना है। अलर्ट मोशन ऐप ओपन करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको वीडियो को बनाने के लिए प्रेसर ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नारा एसोसिटी की साइज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ब्लैक बैकग्राउंड को इसमें सिलेक्ट करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। व्यू ऑल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। यहाँ से गाइस, आपको इस वाले वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको इस वॉलपेपर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इस वॉलपेपर को डाउनलोड कर लेना है। गाइस, आपको नीचे प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर अलर्ट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस वॉलपेपर को फुल स्क्रीन में लगा लेना है। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है थ्री डॉट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर फुल स्क्रीन में लग जाएगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपको फिर से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको व्यू वॉल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। यहाँ से गाइस, आपको इस साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको इस साउंड वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इस साउंड वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से गाइस, आपको साउंड वीडियो को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो अलर्ट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगी। गाइस, आपको इस वीडियो के साउंड को निकाल लेना है। साउंड को निकालने के लिए आपको ऊपर थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है एस्ट्रिक आइडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, इस वीडियो का आइडियो निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं आइडियो निकल कर आ चुका है। अब गाइस, आपको इस वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिला है डिलीट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। अब गाइस, आपको साउंड की लेयर के बराबर वॉलपेपर की लेयर को कर देना है। गाइस, आपको वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वॉलपेपर की लेयर साउंड की लेयर के बराबर हो जाएगी। अब गाइस, आपको फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है। फिर से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है टेस्ट वाला, आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से गाइस, आपका जो साउंड है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिरिक्स को लिखना है। तो गाइस, मैंने लिरिक्स को पहले से ही कॉपी करके रखा है, तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने लिरिक्स को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम लिरिक्स को गाइस हम अच्छे से सेट कर लेंगे। गाइस, आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है रोबोटो रेगुलर, आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको इस फॉन्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना है। गाइस, यहाँ से आपको इसमें ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है। यहाँ से गाइस, आप इसमें साइज को यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हम इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरह से। अब गाइस, आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी लिरिक्स कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब गाइस, हम साउंड के हिसाब से लिरिक्स को सेट करेंगे। तो हमारा साउंड यहाँ से आना शुरू हो रहा है। तो गाइस, आपको इसकी लेयर को इस तरह से आगे बढ़ाते जाना है। गाइस, आपको टेस्ट वाली लिरिक्स पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिला इफेक्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिला ऐड इफेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको ईडी वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फ्लिप लेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस, आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक होने के बाद गाइस आपको एंगल को इस तरह से इसको थोड़ा सा इस तरह से आपको -10 पर इसको कर देना है। गाइस आपको लेयर एक्स के एंड में जाना है, इस तरह से आपको इसके एंड में जाना है। अब फिर से आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक गाइस आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, इस तरह से आपको बढ़ाते जाना है। यहाँ पर आपको 10 पर इसको कर देना है इस तरह से। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी लेयर एक्स कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग तरह से हमारी लेयर एक्स इसमें सेट हो चुकी है। टेस्ट वाली लेयर एक्स पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है डुप्लीकेट लेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आप देख सकते हैं हमारी डुप्लीकेट लेयर आ चुकी है। अब गाइस आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको होल्ड करके इस तरह से आगे ले जाना है। जहाँ पर आपकी सेकंड यहाँ पर लाइन आ रही है, यहाँ पर आपको इसको रखना है। अब गाइस आपको लेयर एक्स पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एडिट टेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से गाइस आपको सेकंड लाइन को इसमें लिख देना है, इस तरह से आपको सेकंड लाइन को इसमें लिखना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी सेकंड लाइन यहाँ पर आ चुकी है। अब गाइस आपको ऊपर एक ऑप्शन मिला राइट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऑटोमेटिक हमारी लेयर एक्स है जो यहाँ पर सेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी जो लेयर एक्स है यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो इसी तरह से गाइस आपको डुप्लीकेट इसमें बनाते जाना है। आपको टेस्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको डुप्लीकेट लेयर को बना लेना है। टेस्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको होल्ड करके इस तरह से आगे ले जाना है। अब यहाँ से गाइस आपकी जो तीसरी लाइन आ रही है, यहाँ पर गाइस आपको इसको ले जाना है। अब गाइस आपको टेस्ट वाले लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको तीसरी लाइन को इसमें लिख देना है। इसी तरह से गाइस आपको लेयर को लिखते जाना है। राइट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी लेयर ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो इसी तरह से गाइस आपको लेयर को आगे बढ़ाते जाना है। तो चलिए हम जल्दी से यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी लेयर एक्स कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग तरह से हमारी लेयर एक्स यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब गाइस आपको इसमें एक इफेक्ट को लगा देना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने का इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको व्यू वॉल पर क्लिक करना है। तो गाइस आपको इस वाले इफेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपको इस इफेक्ट की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इस इफेक्ट को फुल स्क्रीन में लगा लेना है। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिला थ्री डॉट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लाइटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो के एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट करना है। कट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी एक्स्ट्रा लेयर पीछे से कट हो जाएगी। इस तरह से आपको सभी एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर देना है। अब गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से लेयर एक्स स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।